इसमें आपका कोई कसूर नहीं है जीजीमा, ये लड्डू गोपाल की मर्जी है। मैंने अपना बच्चा खो दिया बिट्टू, अपना बच्चा खो दिया, और मैं अपने पति को नहीं खो सकती। सुरेश प्लीज मुझसे बात कीजिए, सुरेश कुछ बोलिए प्लीज। ये हमारा गोविंद नहीं है, ये हमारा गोविंद नहीं है विधा। भाभी मैं इसे किसी से मांग के लाया, शायद इसका रोना सुन करके भैया होश में आ जाए। देखिए सुरेश कुछ बोलिए। सुरेश देखिए ना कुछ तो बोलिए। गोविंद मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मेरा गोविंद ही है। मुझे मेरा गोविंद चाहिए। मेरा गोविंद का गोविंद सुरेश गोविंद सुरेश भैया, अरे प्लीज इसे पकड़ो भैया। भैया सुरेश गोविंद, भैया सुरेश गोविंद, सुरेश क्या कर रहे हैं भैया आप? भैया प्लीज प्लीज रुक जाइए छोटे, मुझे गोविंद के पास जाना है, अगर मैं नहीं जाऊंगा ना तो वो रोता रहेगा, अपने डैडी का इंतजार कर रहा है। मुझे गोविंद सुरेश बेटा तुम्हें आराम करने की जरूरत। मैं आराम कैसे कर सकता हूँ डैड, आप जानते हैं ना कि गोविंद मेरे हाथ से ही खाता है, मेरे हाथ से खेलता है और मेरे पास ही आके चुप होता है। मैं नहीं जाऊंगा ना तो वो रोता रहेगा, मेरा इंतजार कर रहा है वो। भैया भैया प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, हम में से कोई गोविंद के पास नहीं जा सकता, ना आप ना मैं, कोई और नहीं जा सकता। मुझे गोविंद के पास जाना, मुझे गोविंद के पास जाने दो। गोविंद अब कभी नहीं आए, गोविंद अब कभी नहीं आए, गोविंद अब कभी नहीं आए, गोविंद अब कभी नहीं आए। तुम्हारा बच्चा हमेशा के लिए शांत हो, तुम्हारा बच्चा हमेशा के लिए शांत हो, के लिए शांत हो। वो इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा।
तुमने मेरे बेटे को मारा, 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 तुमने मेरे बेटे को मारा। तुमने मेरे बेटे का खून किया ना, बेटे का खून किया ना, बेटे का खून किया ना, बेटे का खून किया ना। बेटे, इसने मेरे डैड, इसने मेरे बच्चे को मारा। नहीं बेटा, ये आप क्या कह रहे हैं रसेश? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मेरे पास नहीं। अगर तुम चाहती तो तुम गोविंद को गाड़ी से लेकर उतर सकती थी, लेकिन तुम रुक गई। इसने अपनी बहन को बचाना था ना, इसलिए। तुम्हारे लिए तुम्हारा बेटा ज्यादा जरूरी हो ही नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि तुम मां नहीं हो। तुम मां नहीं हो, तुम अपनी बहन की जीजी मां। तुम मां नहीं हो, तुम अपनी बहन की जीजी मां। तुम अपनी बहन की जीजी मां। तुम्हारे लिए मां होना कभी जरूरी था ही नहीं। तभी तो तुम अपनी बहन की खुशी के लिए अपनी कोख निकलवाने के लिए राजी हो गई थी। मैंने देखा उस दिन जब बिट्टू की जान पर खतरा आया था, तुम गोविंद को सोफे में छोड़ के आ गई थी। मैं तभी समझ गया था कि तुम्हारे लिए मां होना ज्यादा जरूरी नहीं, मां होना ज्यादा जरूरी नहीं, मां होना ज्यादा होना ज्यादा जरूरी, चीजी मां होना ज्यादा जरूरी, चीजी मां होना ज्यादा। बिल्कुल सही इल्जाम लगा रहा हूं मैं तुम पर। हर बार इस घर पर जब भी ऐसी कोई बात आई है, तुमने तब तब अपनी बहन को चुना और अपने बेटे को नहीं चुना। तुमने साबित कर दिया है कि तुम एक मां नहीं हो, तुम सिर्फ अपनी बहन की जीजी मां हो, जीजी मां हो, जीजी मां हो, जीजी मां हो। और तुम्हारे जीजी मां होने ने ना मेरे इस घर को, मेरे इस परिवार को बर्बाद करके रख दिया है। एक बात बोलूं फाल्कन, ये जीजीमा लफ्ज ना कोई बड़प्पन की बात नहीं है। ये जीजीमा शब्द एक गाली है। तुम्हारा जीजीमा होना इस घर के लिए एक गाली है फाल्गुनी। आप क्या? और इस गाली के लिए मेरे इस घर में, मेरे इस परिवार में कोई जगह नहीं है। निकलो इस घर से। सुरेश, मैं कहता हूं निकलो इस घर से। उस औरत के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है जिसे मां होने का मतलब नहीं पता। निकलो बस!